नमस्कार, मैं हूं नरेश वत्स। कॉरेस्पोंडेंट टीवी में आपका स्वागत है। इलाहाबाद पश्चिमी से समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार रिचा सिंह मेरे साथ हैं। रिचा जी, कैसा चल रहा है आपका चुनाव प्रचार? आप अभी डिंपल जी आ रही हैं, उसके तैयारी में आप लगी हुई हैं? जी, हम लोगों का चुनाव प्रचार बहुत अच्छा चल रहा है। जनता हम लोगों को बहुत पसंद कर रही है। जनता एक नए चेहरे, एक नए युवा चेहरे को जानती है, मानती है और चाहती है। और जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी, माननीय राहुल गांधी जी साथ में आए हैं और सांसद डिंपल जी हम लोगों के साथ हैं, तो पूरी एक युवाओं की टीम है और लोग एक बदलाव की तरह इस युवाओं की ताकत को देख रहे हैं। समाजवाद की जो एक परिभाषा है वो बदल रही है। जिस तरह से अखिलेश जी ने पूरे परिवार में एक लड़ाई लड़ी, उसके बाद अब जिस तरह से लड़ाई लड़ रहे हैं, इसको किस रूप में देखती हैं आप? परिवार से भी लड़ना पड़ा? देखिए, बहुत अहम है ये सवाल। और जिस वक्त पे माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये स्टैंड लिया, ये दिखाता है कि समाजवादी विचारधारा को वो किस हद तक मानते हैं और समाजवादी विचारधारा का प्रसार उस समाज में करना चाहते हैं। आप देख सकते हैं उदाहरण के लिए कि भाजपा परिवर्तन रैली निकाली, लेकिन परिवर्तन क्या किया? लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने समाजवादी विचारधारा को लागू किया है और समाज में, राजनीति में परिवर्तन किया है। जाति, धर्म, मजहब से ऊपर उठकर युवाओं को, संघर्ष करने वालों को उन्होंने टिकट दिया, उम्मीदवार बनाया। तो परिवर्तन रैली उन्होंने निकाली, लेकिन परिवर्तन करने का काम माननीय अखिलेश यादव जी ने किया है। आप युवा हैं और जिस तरह से बात कही जा रही है विपक्षी दल भी और इस तरह के, कि जिस तरह से लोहिया ने हमेशा कांग्रेस के खिलाफ लड़ाई लड़ी है, लेकिन आज फिर गठबंधन हुआ है कांग्रेस के साथ, ऐसी कोई दुविधा, ऐसी कोई सोच वोटर पूछता है, या फिर अब बाजारवाद पूरी तरह से राजनीति पे हावी हो गए? नहीं, देखिए, बहुत अहम सवाल है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने गठबंधन किया है और समाजवादी पार्टी ने माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में 5 साल इतना काम किया है कि हम अपने चेहरे पे चुनाव लड़ रहे हैं और हम अपने काम पे चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन ये गठबंधन हुआ है, ये सेकुलर फोर्सेस, अरे सेकुलर ताकतें साथ में आए और सांप्रदायिक ताकतें जो देश में पांव पसार रही हैं, जो उनको उखाड़ फेंकने के लिए ये गठबंधन हुआ है, ताकि देश में, देश को सांप्रदायिक ताकतों के आधार पर बांटा ना जा सके और सेकुलर फोर्सेस साथ में आए। एक सवाल महिलाओं से जुड़ा हुआ है। बीजेपी ये कहती है कि अगर वो सत्ता में आती है तो रोमियो विरोधी दस्ता बनाएगी। लव जिहाद की बात कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी भी कानून व्यवस्था की बात कर रही है, महिलाओं की बात है, कांग्रेस भी कर रही है, लेकिन मेरा आपसे ये सवाल है कि कानून व्यवस्था का एक बड़ा सवाल है यहाँ पर, इसी सवाल पे सरकारें बनती भी हैं, बिगड़ती भी हैं। समाजवादी पार्टी के शासनकाल को कैसे देखें? देखिए, समाजवादी पार्टी का शासनकाल कानून व्यवस्था को लेकर बहुत अहम है और जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी ने डायल 100 दी है, जो 3 मिनट में लोगों तक पुलिस की व्यवस्था पहुंचती है, और ऐसी व्यवस्था सिर्फ विदेशों में है और हमारे देश में उत्तर प्रदेश में है। और साथ ही साथ 1090 की सुविधा है, 1091 है, जो विशेषकर महिलाओं के लिए बनाई गई है। जहां तक रही भारतीय जनता पार्टी की बात, तो वो महिला सुरक्षा की बात तो करते हैं, लेकिन रोमियो दस्ता बनाने की भी बात करते हैं, तो कैसे वो लड़कियों को सुरक्षा देंगे? और माननीय प्रधानमंत्री जी तो जसोदा बहन को घर नहीं ला पाए, अपनी 85 साल की माँ को उन्होंने लाइन में खड़ा कर दिया, तो देश की बेटियों को उनसे कोई उम्मीद नहीं है। और हम बेटियां अपना रास्ता बनाना जानती हैं और हम अपना रास्ता बना रही हैं। और सबसे बड़ी बात है कि वो किस आधार पे देंगे देश को सुरक्षा, जब उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद उनके ऊपर तमाम तरीके के मुकदमे दर्ज हैं, उनके प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य जी जो कि गाय माता की बात करते हैं, लेकिन गाय के तस्कर होने का खुद उनके ऊपर, गाय का एक बड़ा कारोबार चला रहे हैं। तो ये अब चलने वाला नहीं है। जनता बहुत समझदार हो चुकी है और वो देखना चाहती है ये जुमलों की सरकार, जो 2.5 सालों में 15 लाख रुपए देने का वादा किया था, 2 करोड़ रोजगार युवाओं को देने का वादा किया था। युवाओं को रोजगार चाहिए, बच्चों को शिक्षा चाहिए, महिलाओं को सुरक्षा चाहिए, बुजुर्गों को सम्मान चाहिए, और इन्हीं मुद्दों पर, विकास के मुद्दों पर चुनाव होगा। और लोग भारतीय जनता पार्टी के जुमलों से परेशान हो चुके हैं। अच्छे दिन तो कहीं दिखे नहीं, लेकिन हाँ, बदलाव के दिन दिखने जा रहे हैं। जनता कितनी समझदार हो गई है ये तो चुनावी नतीजे बताएंगे 11 मार्च को, लेकिन हाँ, चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार जरूर जागरूक हो गए हैं, वो उन्हीं मुद्दों को उठा रहे हैं जो उनके राष्ट्रीय नेता मंचों से उठा रहे हैं। आप देखते रहिए कॉरेस्पोंडेंट टीवी।